क्या हाल है दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज का एपिसोड थोड़ा इनफॉर्मल रखते हैं। बेड पर बैठा हूँ मैं आराम से और चाय का टाइम है, 5 बजे हैं, 5:30 बजे हैं। तो आप में से एक बंदे ने पूछा था यार कि अलग अलग कैमरा के जो सेंसर साइज़ है और सेंसर टाइप है उसके बारे में कुछ बताइए। बट आई थिंक जो असली क्वेश्चन है वो ये है कि अलग अलग सेंसर टाइप हैं बट उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, एज अ कंज्यूमर, कि अगर आप बड़ा सेंसर वाला कैमरा लोगे या छोटा सेंसर वाला लोगे या मे बी आप एक मोबाइल ले लोगे तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब सेंसर क्या टाइप कुछ भी हो बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ कंज्यूमर आपको कैसे इफेक्ट करता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। सेंसर से आपको देखो मेन तो जो है ना वो शाम के टाइम और रात के टाइम जो आपकी फ़ोटो और वीडियो की क्वालिटी है उससे डायरेक्टली रिलेशन है। जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी ज़्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उतने ही ज़्यादा आपको अच्छी वीडियो की और फोटो की क्वालिटी मिलेगी। सो अब बड़ा सेंसर मींस ज़्यादा लाइट विच मींस ज़्यादा इंफॉर्मेशन विच मींस अच्छी फोटोग्राफ एंड वीडियोग्राफ। और सेकंड जो आपका जो फ़र्क पड़ता है वो होता है नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर। अगर छोटे सेंसर की बात करें तो उसका जो डेप्थ ऑफ फील्ड जो होती है ना वो काफ़ी बड़ी होती है। मतलब आप इस समझ लो कि सारा का सारा यहाँ से लेके वहाँ तक सारा का सारी चीज़ आपको फोकस में लगेगी, तो जिसकी वजह से क्या है कि बैकग्राउंड ब्लर वाला इफेक्ट है वो छोटे सेंसर में आपको नहीं आ पाएगा। तो ऑर्डर में देख लेते हैं सबसे छोटा सेंसर किसका होता है, देन बड़ा किसका होता है, देन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा सेंसर होता है वो होता है मोबाइल्स का, बहुत ही छोटा होता है बट उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है विथ सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल, तो रात के टाइम में भी कुछ अच्छी फोटोग्राफ लग सके। आजकल जो आ रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा जो सेंसर साइज बड़ा कर दिया गया है बट स्टिल अगर आप DSLR से कंपेयर करोगे तो वो काफ़ी छोटा होता है। तो सबसे नीचे मैं रखूँगा मोबाइल, फिर आता है पॉइंट एंड शूट जो इससे जस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है। आजकल जो मोबाइल है और पॉइंट एंड शूट है इनके दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं। और ईज़ ऑफ यूज़ की बात करें तो यार मोबाइल ज़्यादा ईजी है यूज़ करने के लिए एंड शेयरिंग द पिक्चर्स देन अ पॉइंट एंड शूट। बट पॉइंट एंड शूट में आपको क्या मिल जाता है, आपको दूर तक जूम करने की कैपेसिटी मिल जाती है, वो एक अलग फ़ायदा रहता है आपका। तो ठीक है, सबसे नीचे आ गया आपका मोबाइल एंड देन पॉइंट एंड शूट, देन उसके बाद आपका आता है DSLR और मिररलेस। DSLR और मिररलेस में एक्चुअली तीन अलग अलग तरह के होते हैं बट मेनली दो ही की बात करेंगे क्योंकि दो ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्रॉप सेंसर और फिर उसके बाद होगा आपका फुल फ्रेम। क्रॉप सेंसर में क्या होगा, क्रॉप सेंसर में आपका 24mm का सेंसर होगा, 24 या फिर आसपास, इसको क्रॉप सेंसर बोलेंगे। तो क्रॉप सेंसर में आपके आगे कैनन 1300D, ठीक है, निकॉन D3500, D5600, आपका कैनन M50, ये सब आपके क्रॉप सेंसर में आ गए, 200D वगैरह वगैरह, इवन 90D भी आपका क्रॉप सेंसर में ही आएगा। इनकी कैपेसिटी है ना मोबाइल या फिर पॉइंट एंड शूट से बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइक वो इतना सा होएगा तो ये इतना बड़ा होएगा, तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर होगी और बैकग्राउंड ब्लर करने की कैपेसिटी इनकी नेचुरली बैकग्राउंड ब्लर बनाने की इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अ मोबाइल और अ पॉइंट एंड शूट। थर्ड आपका हो गया फुल फ्रेम कैमरा, जो अभी ये निकॉन D810 लगा हुआ है, ये फुल फ्रेम कैमरा, इसमें जो क्वालिटी ऑफ द वीडियो और शार्पनेस ऑफ द वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली लेंस पे भी डिपेंड करता है बट सेंसर का जो है ना मेन जो वो भी इम्पॉर्टेंट है इक्वली। तो फुल फ्रेम में क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी अच्छा होगा और आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है शाम के टाइम या रात के टाइम वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो मोटे मोटे तौर पे देखें तो यही दो चीज़ें आपकी, एक तो बैकग्राउंड ब्लर कितना अच्छा मिलेगा प्लस आपकी क्वालिटी ऑफ द फोटोग्राफ कितनी अच्छी आ रही है डिपेंड्स ऑन द सेंसर साइज। तो अगर आप एक रेगुलर कंज्यूमर हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए अगर आप अच्छी लाइटिंग में फ़ोटो खींच रहे हैं, आप दिन में फ़ोटो खींच रहे हैं, अच्छी धूप है या अच्छा बैकग्राउंड है, तो आप किसी भी चीज़ से खींचें आपकी फ़ोटोग्राफ हमेशा अच्छी आएंगी, ठीक है। मे बी आप मोबाइल हो, मे बी आपके पास DSLR हो, छोटा हो, बड़ा हो, पॉइंट एंड शूट हो, वट एवर इट इज़, बट अगर आप जब भी फ़ोटो खींचोगे दिन के टाइम अच्छी लाइट में तो अच्छी फ़ोटोग्राफ आएगी। कैमरे की जो रियल टेस्ट जो है ना वो होता है लो लाइट में या फिर आपका बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट करने का, वो भी नेचुरली। मोबाइल में तो देखो बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन होता नहीं है बट हाँ आर्टिफिशियली दे कैन क्रिएट, आजकल तो काफ़ी अच्छे आ ही रहे हैं सॉफ्टवेयर। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है तो डेफिनेटली आप मोबाइल से काम चला सकते हैं, उसमें नॉर्मल फ़ोटो और वीडियो में काफ़ी अच्छा ब्लर आजकल मतलब आर्टिफिशियली हो रहा है बट स्टिल इट्स बेटर देन नॉट हैविंग वन।
फिर उसके बाद बात करें पॉइंट एंड शूट की। पॉइंट एंड शूट आप तभी खरीदिए कि जब आपको बहुत दूर का कुछ जो है ना आपको पास लेके आना है, तभी एक पॉइंट एंड शूटर आप रखें। मे बी कन्वीनियंस के हिसाब से आप रख सकते हैं कि मोबाइल में आप नहीं खींचना चाहते सारी फोटोग्राफ, मे भी कुछ आप चाहते हैं कि अलग से एक कैमरा हो जो आप किसी को दे सकें, फ़ोटो खिंचवा सकें अपनी। तो ईज़ ऑफ यूज़ के हिसाब से देखें तो पॉइंट एंड शूट यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग को पसंद नहीं है ये, स्पेशली मुझे पसंद नहीं है। फिर इसके बाद आपका हो गया क्रॉप सेंसर, DSLR या फिर मिररलेस, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एज अ कंज्यूमर। आपकी लाइट भी काफ़ी अच्छी आएगी, फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आएगी, अगर आप अच्छा लेंस लगाएंगे तो बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा आएगा। और अगर बात करें फुल फ्रेम की, तो यार अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तभी आप फुल फ्रेम लो, वरना अगर आपको लग रहा है कि कौन सा लेना चाहिए तो फुल फ्रेम के बारे में आप आइडिया ड्रॉप कर सकते हो। मैंने भी काफ़ी डीप फोटोग्राफी में डीप जाने के बाद ही फुल फ्रेम DSLR उठाया था। तो होपफुली यार ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है या किसी भी तरह से, तो डेफिनेटली आप लाइक बटन दबा सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने के लिए। और सॉरी लास्ट वीक मैं थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो नहीं डाली लास्ट वीक। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और फ़ोटो अच्छे से क्लिक करते रहिए, ठीक है, बाय बाय।